आज के समय की कहानी है, जैसे आज हमारे देश का माहौल है, जिस ढंग से लोग हैं और थक गए हैं और सब चाहते हैं कि हमें नई गवर्नमेंट चाहिए, तरीके बदलने चाहिए, तो एक बदलाव का वक्त चल रहा है। और मेरा कहना है कि एक्चुअली जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इन सब के कसूरवार हम खुद हैं। अगर हम अपने आप में बदलाव लाएंगे तो चीज़ें बदलेंगी, तो पहले हमें अपने आप को थोड़ा बदलना चाहिए। और हमारी फिल्म भी उसी तरह से इस कैरेक्टर के ऊपर है, जो बहुत ही सच्चा कैरेक्टर है और एक सच्चे आदमी को आज के ज़माने में फैमिली के साथ जीना उसके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो जीते हैं, हर समस्या का सामना करते हैं और तकलीफ़ें होती हैं लेकिन सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं, पर क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कैरेक्टर के हिसाब से कि वो अपने आप को कभी गिव अप ना करें। कॉमन आदमी हो या नॉन कॉमन आदमी हो, हर आदमी की प्रॉब्लम्स वही होती हैं, दुख होता है। किसके पास बहुत पैसा है फिर भी दुख है, पैसे का ही दुख है, किसके पास पैसा नहीं फिर भी उसे पैसे का दुख है, तो हर आदमी को दुख 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 है। तो ये तभी हम लोग कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी जलते हैं, कभी क्या हो जाती है, हम हर आदमियों में ये चीज़ें हैं और ये हमारी ज़िंदगी है। जब हमारी कहानी हम जब लेते हैं तो उन्हीं हम अपनी सोसाइटी को देखकर, हमारी सब चीज़ों को लेकर कहानी के अंदर वो चीज़ें होती हैं, इसलिए जब हम फिल्म को देखते हैं तो हमें कुछ हमारे दुख, हमारी खुशी, हमारे दर्द उसके अंदर दिखाई देते हैं। उन कैरेक्टर्स में हमें कुछ थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन दिखती है, कहीं ऐसी चीज़ दिखती है जो हम करना चाहते नहीं कर पाते लेकिन वो कैरेक्टर कर रहा है तो हमें अच्छा लगता है। तो सिनेमा इस ढंग का होता है और मैं इसी ढंग के सिनेमा को अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने जब भी कोई फिल्म देखी है तो मैं हमेशा वो फिल्म का एक नशा या उसका हैंगओवर लेकर बाहर आना चाहता हूँ। और मुझे यकीनन है कि हमारी ये जो फिल्म है सिंह साहब, इसमें ये सब कुछ उन्हें मिलेगा। सिंह साहब द ग्रेट टाइटल के बारे में जानना चाहेंगे, टाइटल के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी भी? देखिए, कंट्रोवर्सीज के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहता, बिकॉज कंट्रोवर्सी ही वजह से हमारी जो स्थिति है इस वक्त, हर चीज़ का हम कोई मतलब निकालते रहेंगे, नहीं होगा तो भी लगता न्यूज़ नहीं बनती, तो क्यों हम उसको शोभा दें? हम सच्चे आदमी हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम किसी को ठेस नहीं पहुँचा रहे, ना कभी कभी किसी को ठेस पहुँचाएंगे, हमारा इरादा ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी होना होगा तो होगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, मैं एक्टर हूँ, राइट, मैम एक्टर हूँ, मैं तमाशबिन नहीं हूँ, मैं ये सब चीज़ों में मैं नहीं मानता। मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और मैं हमेशा जब जाना भी गया हूँ तो अपने काम से जाना गया हूँ, नॉट फॉर एनी अदर इश्यूज इन लाइफ। तो मेरे को जिस चीज़ का शौक है मैं वही करूँगा, इसलिए मैं दारू नहीं पीता, दारू का शौक होता तो दारू पीता, जो मुझे ग्लैमर वैमर करने का शौक होता था मैं वो भी करता। तो हर आदमी की अपनी अपनी इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं, अपने अपने इंडिविजुअल थॉट होते हैं, तो मेरा बेसिक थॉट रहा है कि मैं अपना काम करूं और मेरा काम अच्छा लगे तो लोग मुझे पसंद करेंगे, तो मैं और उस ढंग की नई नई चीज़ें करूंगा, क्योंकि एज एन एक्टर हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे इमोशंस प्ले करने का, पोर्ट्रे करने का मौका मिलता है जो हम रियल लाइफ में नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है? देखिए, मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ, चाहे आई एम प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ अ सिख और हिंदू और मुस्लिम और एनीबडी, आई एंजॉय माय कैरेक्टर, बिकॉज हम सबके अंदर वही फीलिंग्स हैं जो हर मज़हब में है, हर इंसानियत में, हर जगह हैं, तो वो फीलिंग्स हमारी चेंज नहीं होती। हमारे दुख भी ऐसे, आपको मैं ऐसे करूँगा तो आपको दर्द होगा, चाहे कोई भी मज़हब के आप हों, है ना? तो ये सब चीज़ें वो नहीं होती, मेन चीज़ होती है कि आप उसको कितना उसका सामना कर सकते हो, कितना आप दर्द को बर्दाश्त कर सकते हो, और जहाँ दर्द बर्दाश्त नहीं करना वहाँ आप अपनी वजह उठा सकते हो या नहीं, बात ये है बस। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, हर आदमी के लिए वेल्थ सिर्फ पैसा है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वेल्थ फैमिली होती है, प्यार होता है आपस में, वो जो वेल्थ है उसे मैं वेल्थ मानता हूँ। हाँ, जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, बिकॉज हर चीज़ खरीदनी बेचनी, जाना छुट्टी मनाना, उसके लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जीने के लिए, दिमाग के सुकून के लिए तो एक फैमिली चाहिए, दोस्त चाहिए।